आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बुंदेलियों ने गगन भेदी नारों के साथ काले झंडे दिखा, आक्रोश व्यक्त कर मांगा बुंदेलखंड राज्य। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। इससे पूर्व बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में कचहरी चौराहा स्थित गांधी उद्यान में इकट्ठा होकर हाथ काले झंडे लेकर गगन भेदी नारों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बाधा निभाओ बुंदेलखंड राज्य बनाओ नारू लगाते हुए जिला अधिकारी कार्यालय प्रांगण में प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन भेंट किया। गत लोकसभा सन 2014 चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी ने आप मान्यवर जी के समक्ष बुंदेलखंड राज्य 3 साल के भीतर बनवा देने का वादा बुंदेलखंड की जनता ने किया था। झांसी से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ प्रतीक सैमसन। प्रधानमंत्री वादा निभाओ, प्रधानमंत्री वादा निभाओ। चुनावों को लेकर धरना देना पड़ गया। ये 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज बना देने का वादा किया था मोदी सरकार ने। आज 6 साल 6 महीने हो गए, कुल मिला के 2 महीने से ज्यादा। धिक्कार है इनके जीवन पर ये सफेदपोश जो अपने आप को कहते हैं। कितनी मोटी चमड़ी है इनकी कि लगातार झूठ बोलते जाते हैं, इनको बिल्कुल शर्म ही नहीं आती। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा जो दो मुंह की राजनीति ये करते आए हैं कि चुनाव के समय ये बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए खड़े हो जाते हैं और बुंदेली सपूत बन जाते हैं और चुनाव बाद ये इस मुद्दे को बिसार कर अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। अब ये बुंदेली लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। अब साकों पर उतर कर इनका विरोध किया जाएगा जनप्रतिनिधियों का, और इनका तो जो करना है सरकार का वो हम लोग करने के लिए अपना दिमाग बना चुके हैं। कुल मिलाकर बुंदेलखंड राज निर्माण हमारा सपना है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। इससे अब किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। बुंदेलखंड तो लेंगे लेंगे, और जैसे दोगे वैसे लेंगे। हर तरह के संघर्ष के लिए जो लोकतंत्र ने हमको जो भी अस्त्र शस्त्र दिए हैं उन सबका प्रयोग करते हुए हर तरह के आंदोलन के लिए हम लोगों ने अपना मन बना लिया है, और बुंदेलखंड राज अब यथाशीघ्र कहीं ना कहीं इनको धरातल पर उतारना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में किस तरह से विरोध करोगे? 100% आने वाले चुनाव में हम लोग घूम घूम के ये कहेंगे जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। इन दोगले लोगों को भगाओ, इन दोगले लोगों को हम लोगों से दूर करो। ये सिर्फ चुनावी बुंदेली है, जो असली बुंदेली होगा उसके साथ हम लोग खड़े नजर आएंगे। ठीक है।